मॉर्निंग एवरीबॉडी, बीएससी थर्ड ईयर के प्रकाश विश्लेषण टॉपिक में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपने पढ़ा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। इसके बाद में पढ़ा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। और अब अपने बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दोनों पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि साइक्लिक का मतलब इलेक्ट्रॉन वापस गति करते हुए उसी कक्षा में उसी स्थान पर आ जाता है। नॉन साइक्लिक में उसी स्थान पर नया आकर दूसरे इंटरमीडिएट को अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। वापिस अपने वही बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमें ध्यान होनी चाहिए कि ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा इसका लिक्विड मटेरियल है। थैलेकोइड या ग्रेना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्वांटोसोम्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक यूनिट जिनको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई। क्वांटोसोम्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का बना होता है 200 से 230 क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड जेंथोफिल्स, जिसके केंद्र में ट्रैप सेंटर जो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। सबसे पहले जहाँ पर एनर्जी इकट्ठी होती है बाहर से देते हुए इलेक्ट्रॉन अपने प्रकाश को आगे से आगे फोटोन के रूप में प्रदान करते हुए ट्रैप सेंटर पर पहुंचते हैं। तो इसमें अपने बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण तथा अचक्रीय में क्या अंतर होता है। साइक्लिक में आपने देखा था कि केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट P700 यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट जो 600 से 80 से आगे की वेवलेंथ पर कार्यरत रहता है वह इसमें काम करता है। यानी कि साइक्लिक के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड भाग नहीं लेता, परंतु नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दोनों सामने लिखा हुआ है, नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ साथ सेकंड के साथ साथ फर्स्ट भी इन्वॉल्व रहता है, दोनों साथ साथ कार्यरत रहते हैं। इसका रिएक्शन सेंटर RC जो रिएक्शन सेंटर होगा, जो ट्रैप सेंटर होगा वो P700 और इसका रिएक्शन सेंटर P680। इलेक्ट्रॉन वापस गति करते हुए वापस वहीं पर आ जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड आर साइक्लिक बैक, वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर होगा फेरिडोक्सिन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम एफ प्लास्टोसाइनिन से क्लोरोफिल फर्स्ट पर वापस आते, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते, ये वापस बीच में इलेक्ट्रॉन डोनर NADP को ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस, इस रिएक्शन के अंदर जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा परंतु इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। यानी कि जब नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा और वो इलेक्ट्रॉन वापस गति वो देते हुए वापस वहां पर नहीं पहुंचते, इस कारण उस कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, जल के प्रकाश के अपघटन के द्वारा, फोटोलाइसिस वाटर के द्वारा। हाइड्रोजन आयन तो NADPH को प्रदान करते हैं और इलेक्ट्रॉन इस श्रृंखला को प्रदान करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाते हुए आगे गति करते हैं। इसमें केवल ATP का सिंथेसिस होता है जबकि इसमें ATP और NADPH2 NADPH दोनों सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि एक ATP मॉलिक्यूल और NADPH से तीन ATP बनती है। ये ATP दोनों की ATP डार्क रिएक्शन में यूज होगी। इसके अलावा यह फोटोफॉस्फोरिलेशन दो स्थानों पर होगा, साइक्लिक के अंदर और नॉन साइक्लिक में, और ये यहाँ पर कहाँ पर होगा, केवल एक स्थान पर पाया जाता है साइक्लिक नॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलकर, और इसको जेड स्कीम कहते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, इसमें यहाँ पर अपने देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, H2O या H2S हो सकती है, H2S किसी दूसरे में होगी परंतु अधिकतर क्या होगा, ग्रीन
लार्ज में एच टू होगी, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा में जाएगा और वापस गति करते हुए वापस आएगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता नहीं है। यह क्लोरोडाइम मिथाइल यूरिया से सेंसिटिव नहीं होता है। इसको यूज डालने से इस साइक्लिक की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि क्लोरोडाइमिथाइल यूरिया अगर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि फोटोलाइसिस वाटर को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे और वापस इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरस रुक जाएगा। रुकने पर क्या होगा, NADPO ATP का निर्माण बंद हो जाएगा, जिससे क्या बंद हो जाएगा, केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट में कमी आ जाएगी। ये उसी की समरी है, अगर शॉर्ट में हो तो इस ये 5 पॉइंट भी अपने यूज कर सकते हैं। ये किस प्रकार से थाइलेकोइड ल्यूमन है, किस प्रकार स्ट्रोमा में ये ओरिजिनल जैसे मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड, उसमें किस प्रकार से फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट अरेंज रहते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, इस प्रकार से ये दर्शाया गया है। तो ये हुआ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस। थैंक्स।